मैडम सब्जी सस्ती भी महंगी है, बहुत महंगी है। कितनी महंगी? आलू देख लो 50 रुपए किलो, 40 रुपए किलो। अभी लास्ट हफ्ते पिछले हफ्ते लेके गई हूँ मैं 30 रुपए किलो। तो देखो एक हफ्ते में ये नवरात्रि शुरू हुए उसी से महंगी हो गई। आपके कहने का कारण है नवरात्रि के कारण होती है नवरात्रि महंगी होती है। हाँ होती है। तो बस आलू प्याज ही बढ़े हुए दाम और कुछ नहीं? सब सब्जी महंगी है। जैसे कि तोरी भी महंगी है, अरबी भी महंगी है, गोभी का तो रेट ही कम नहीं हो रहा। कितने रुपए किलो? 120। और टमाटर? टमाटर 60। टमाटर 100 से ऊपर है। वही अब 100 हो गया। 120। लो अभी आपने टमाटर। और धनिया तो पूरा सीजन आपको पता है सस्ता हुआ ही नहीं। 500 रुपए किलो धनिया तो मैं लेती तो 10 रुपए का दो देते हैं। अरे क्यों भैया इतना सा इनको दो पत्ता ही देते हो आप? 10 रुपए का ये आपके रेगुलर ग्राहक होते हुए भी बस 10 रुपए के दो पत्ता। और लहसुन क्या है? लहसुन तो है महंगा है, अभी भी महंगा है ना। लहसुन अदरक भी है, अदरक आप जाके थोड़ा सस्ता हो तो 70 रुपए पाव था। बहुत महंगा है, कह रही हूँ। सब्जी महंगे होने से कुछ आपके सेल में कुछ कमी हुई है कि बढ़ोतरी हुई है? आज कुछ भाव होता है, कल कुछ भाव होता है। कल 1000 रुपए घड़ी लाया, आज 1200 रुपए हो गया, 1500 रुपए हो जाता है। ये दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है कि घट रहा है? बढ़ते जा रहा है, अभी घटता घटने का नाम नहीं ले रहा। घटने का नाम नहीं ले रहा है। तो आप प्रॉफिट भी ज़्यादा कमा रहे होंगे? प्रॉफिट क्या कमाएंगे, कैसे कमाएंगे? अब आप तो कहे कि ग्राहक आ रहा है तो प्रॉफिट तो हो ही रहा होगा आपका। 400-500 रुपए कमाते हो? 400-500 रुपये आप कमाते हो? आप एक्स्ट्रा नहीं दे देते मांगते हैं तो? अच्छा फ्री में लेने के लिए कोई रेडी नहीं होता? कल कैसे आलू प्याज के दाम है? आलू प्याज अभी महंगा हो रहा है अभी, इससे गर्मी के टाइम में सब हर साल महंगा होता है, लेकिन इतना नहीं होता जितना इस साल हो गया। अच्छा इस साल ज्यादा महंगा हो? टमाटर महंगा हो गया, पहले टमाटर जो है पर कम था। हाँ हाँ, 40-50-30-40 रुपए किलो होता था। हाँ 100-120 है, 80 है, कम से कम 80 रुपए। अच्छा आप कितने रुपए किलो बेच रहे हो? हम 120 बेच रहे हैं, 100 बेच रहे हैं। दोनों देसी है जो 120 है, बॉम्बे है जो 100 है। अच्छा बॉम्बे है जो 100 है। तो महिलाएं लेके जा रही है बराबर? जो एक किलो ले जाती थी वो आधा किलो ले जाती हैं, आवर ले जाती हैं, कोई कहते 10 रुपए के दे दो। देते हैं क्या करें, महंगाई है इतनी। अच्छा तो आप कुछ बचा लेते हो कि नहीं बचा लेते? बचे ना बचे तो देना ही पड़ेगा, काम है, महंगाई जब तक रहेगा, एक दो महीने की महंगाई है, देना ही पड़ेगा। कितने साल से बेच रहे हो सब्जी आप? हमारे बचपन से है जी, यहाँ 1981 से जब मंदिर विजय चौक से यहाँ आया तब से हम बैठे हुए, तब से बैठे हुए। लक्ष्मीनगर में खाली चार दीवारी था, मकान वकान नहीं था यहाँ पे, खाली एक पीपल पेड़ स्टेट बैंक था बस, उसके बाद कोई स्टेट बैंक भी नहीं था वो। राजू प्लस मेरे सामने बने स्टोरी भी गया। स्टेट बैंक भी है, बना था वो भी है, बाद में बना था। ये सब्जी महंगे होने का कारण क्या है? ये हर जगह पानी भरा हुआ है बारिश की वजह से, फसल जहाँ हो रहा है वहाँ बारिश की वजह से। तो आलू आलू कैसे महंगा होगा? आलू तो कब से निकल गए होंगे खेत से? आलू तो निकल गया, लेकिन हम अभी बाढ़ जो आया हुआ है, स्टोर में पानी जो भरा है घर में, तो स्टोर का सूखा रहेगा, क्यों नहीं पानी भर गया? अच्छा अच्छा, काफी नुकसान हो गया। अच्छा जो स्टोर बचा है वो पैसे कमा के बेच रहे हैं। अच्छा ऐसे कहिए कि स्टोर रूम जो कोल स्टोरेज वाले वो कमा रहे हैं? वो कमा रहे हैं, जहाँ का जो डूब गया वो तो डूब गया तो चला गया। हाँ तो डूब गया, जहाँ जब बिहार यूपी में कई जगह है, कई इलाके हैं जो डूब गया, वहाँ गांव भी डूब गया, स्टोर भी डूब गया। हाँ वहाँ का तो नुकसान हो गया। हाँ जो उनका बच्चा है वो कमा रहे हैं, बाजार से लेना ही पड़ेगा। यानी आपके कहने का मतलब आलू प्याज सब्जी के साथ राशन भी महंगा, मतलब दाल भी महंगा हो गया, दाल भी महंगा है, तेल भी महंगा, अभी तेल भी महंगा हो गया। कितने रुपए किलो है तेल? तेल अभी था 110 रुपए, 60-70 रुपए, 70 रुपए किलो हो गया। टमाटर बहुत 120 है, 100 है। अच्छा तेल भी महंगा हो गया हुआ, भी महंगा हो गया। तो तेल महंगा होने का कारण क्या, जरा मुझे ये बताइए। तेल में क्या हुआ, तेल को जो स्टोर में रखा था नहीं, घर में ही होगा, गोदाम में ही मंगा रखा होगा, ये तो सरकार के ऊपर है, सरकार क्योंकि ये सब चीज तो सरकार कंट्रोल कर सकता है। दाल क्यों महंगा हो गई? दाल भी रख सकता है सरकार, ये रखने वाला चीज है। अच्छा ये तो रखने वाला चीज तो है, सरकार से सवाल कर सकते हैं, सरकार से पूछ सकते हैं कि ये चीज तो रखने वाला है, आप रखे क्यों?
तो कुछ सरकार को कहेंगे तेल और दाल पे? दाल पे सरकार को कहेंगे कि अब स्टोर का रखी है पब्लिक में, कुछ मदद कर देती है कि पब्लिक को राहत मिलेगा। चलिए जिनके पास पैसा है वो तो चलिए ठीक है, जिनके पास रोज कुआं खोदना पानी पीना रोज कमाना खाना वो कैसे काम चलेगा। आप कितना आप कमा ले रहे हो दिन भर में खर्चा? अभी तो अभी आया हूँ दुकान लगा के। एक किलो टमाटर, एक किलो टमाटर में कितना रुपया कमा लेते हैं? चार ही पाँच रुपए और कितना मिलेंगे इसमें? यहाँ डगड़ मार देता वो नहीं निकला तो दस। क्या 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 डगड़ क्या कैसे बोलते हैं? इसमें हल्का हो जाता टमाटर दागी निकल जाते। हाँ हाँ अच्छा ये इतने खराब निकल गए। अच्छा वो कमाई सब खा जाता है। अच्छा वो आपके कम? हाँ वही खा जाता है। चलिए एक टमाटर है मैं दूसरे टमाटर के पास। अब ये देखिए मैं दूसरे टमाटर की दुकान पे जा रही हूँ। और भैया टमाटर क्या भाव है? क्या भाव है गोभी? एक सौ बीस रुपए किलो है। 60 रुपए किलो है। या 60 रुपया किलो बैंगन 80 रुपए किलो है। तो कुछ 60 रुपए किलो है। कुछ बच जाता है कि नहीं? 80 रुपए किलो है। अच्छा बचने को तो धंधा है, बचने को तो धंधा है, बिक गया तो बच गया, नहीं बिक गया तो नहीं बच गया। और ये जो खराब जो वहाँ आप रखे हुए ये क्या हो जाता है? फेंकना ही पड़ता है। सब कामयाब है, जो थोड़ी बहुत खराब वो कम पैसों में देते, कम पैसे में भी। तो आपकी कुछ बचत हो जा रही है कि नहीं? खर्चा पानी खर्चा पानी नहीं निकलेगा तो काम कैसे चलेगा? महिलाएं लेके जा रही है उनका थैली भर रहा है। थैली क्या भर रही है, महंगाई में तो जानते जहाँ 100 रुपया काम है वहाँ 200 रुपये खर्च करते हैं। 100 रुपये से 200 रुपये ऐसा ही है महंगाई। अच्छा कुछ बोलती है महिलाएं आपको? आपको कुछ कहती है? क्यों नहीं कहेगी, हम जहाँ 2000 में काम चला रहे हैं वहाँ 5000 में काम चला रहे हैं। अच्छा जहाँ पे 2000 में काम चल जाता है वहाँ 5000 में काम चल रहा है। वो कस्टमर का है, कस्टमर की मतलब 100 रुपया में काम चल रहा है वहाँ 200 रुपये में काम चल रहा है। अच्छा क्या करो, हम महंगा लाएंगे तो महंगा बेचना पड़ेगा। अच्छा अभी सिर्फ 3 इलाके में टमाटर है, बेंगलोर औरंगाबाद शिमला, इसके अलावा कोई टमाटर नहीं आ रहा है। खाने के लिए पूरे हिंदुस्तान में चाहिए टमाटर, पूरे हिंदुस्तान में चाहिए। अब सब तरफ पानी सूखेगा, पानी भरा हुआ बारिश का है, कहीं बाढ़ का है, सूखेगा हर जगह टमाटर लग जाएगा, टमाटर ही टमाटर हो जाएगा। एक महीने के बाद पानी सूखेगा तो एक डेढ़ महीने की महंगाई रहेगा, उसके बाद फिर 10-20 रुपए किलो हो जाएगा। कोई पूछेगा नहीं, फिर कहेगा कि हम रोड पर टमाटर फेंक रहे, कोई खाने वाला नहीं लेने वाला है। देखते होंगे टीवी पर आता है कि रोड पर फेंक रहे, क्यों फेंक रहे? हर इलाके में होता है, अभी कोई इलाके में टमाटर नहीं है इसलिए महंगा है। यानी आपके कहने का मतलब है कि किसान जो है हर इलाके में अभी फसल करना चालू करे, खेती करना, पानी हर बड़ा पानी भरा पड़ा है तो इसलिए टमाटर नहीं है। अब 3 इलाके बेंगलोर शिमला औरंगाबाद 3 इलाके में टमाटर है, बाकी सब तरफ खाली है। और यही हाल तो प्याज में भी होता है इसी तरह। प्याज क्या है कि अभी फसल नहीं है, स्टोर में कुछ गोदाम में प्याज रखे व्यापारी, वही उन्हीं का प्याज आता है, किसान का तो है नहीं, किसान को कच्चे कच्चे में बेच दिए। अब जो व्यापारी हो रखे संभाल गए, वो रोज अपना निकालते हैं कि 2-3 तरह जिनका जैसा रखा हुआ है, अपना हिसाब किताब, लेबर खर्चा उनका रोज छटाई, प्याज की है रोज छटाई, हर तीसरे दिन छटाई चलता है, लेबर उनका लगा रहता है, सब खर्चा बैठाया जाता है प्याज के। ये नहीं कि प्याज रखते गोदाम में रखा है हमारे 6 महीने तक, हर तीसरे चौथे दिन उसको उल्टा टना पड़ता है, लेबर लगता है, सब पैसा बैठाया जाता है प्याज, इसलिए महंगाई होता है प्याज। अच्छा ये बताइए बैंक बैलेंस कितना रखे हुए हो? बैंक बैलेंस हमारे अकाउंट में इतना पैसे है जो कि निकालने नहीं देता बैंक वाला। क्यों कहते इतना पैसा रख के क्या करके निकाल के रहने तो बैंक में, इतना आज निकालने नहीं देते। अच्छा बैंक वाले आपको निकालने नहीं देते? निकालने नहीं देते हमें तो उसमें कहते भैया जाओ खाली है कुछ नहीं पैसा बैंक जाओ। अच्छा? इतना पैसे बैंक में, इतना पैसे बैंक में, इतने पैसे कि जाओ भैया अभी नहीं है पैसे जाओ। अच्छा।